सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम दादी माँ का परिवार पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। अब स्वाध्याय में सर्वप्रथम हमें दिया है अध्ययन कौशल। अध्ययन कौशल में पहला प्रश्न है, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। तो आपको अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्य की जानकारी किसी वीडियो क्लिप द्वारा या फिल्म द्वारा लेकर उसका उस राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम और विशेषताएं कॉपी में लिखनी है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र राज्य का ताड़ोबा चंद्रपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये महाराष्ट्र का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है। वीकेंड में घूमने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। ताड़ोबा में सफारी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। आप यहाँ गाइड के साथ खुली जिप्सी में घूम सकते हो। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, आपने सुना होगा नाम। कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय पशु बाग और ऐसे कई जंगली जानवरों के आवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में स्थित ऐसा कस्बा है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता से आनंदित कर देता है। तो आपको कोई और दो अभयारण्यों की विशेषताएं, अभयारण्य का नाम और राज्य का नाम आपके आपके कॉपी में वर्गीकरण करके लिखना है। उसके बाद दूसरा है विचार मंथन। विचार मंथन में दिया है वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरे, ये आपने सुना है ना। आपको पता है वृक्ष का क्या महत्व है हमारे जीवन में। वृक्ष हमारे साथी है, परिवार के सदस्य की तरह है। तो हम हमारे परिवारजनों के साथ सिर्फ कोई खास दिन के लिए, या जैसे कि उनका जन्मदिन है तो आज उनके साथ हमें अच्छा रहना है ना, ऐसा हम नहीं कर सकते, है ना। उसी तरह पर्यावरण दिन है, इसीलिए सिर्फ हमें पेड़ पौधे लगाने नहीं हैं, तो हमें हमेशा के लिए इनकी देखभाल करनी है। क्योंकि प्रकृति में स्थित पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों पर संपूर्ण मानव जाति का जीवन आधारित है। यदि हम इनकी रक्षा करेंगे तो ही हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो आपको वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरे पर आपके विचार आपकी कॉपी में उतारने हैं, लिखने हैं। उसके बाद वाचन जगत से। बच्चों, वाचन करना बहुत आवश्यक है। मैं हर कक्षा में आपको बताती हूँ कि आपको वाचन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पाठ का वाचन करना है क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। यदि कोई रिक्त स्थान आपको दिया है तो वो शब्द आपको तभी याद आएगा अगर आपने पाठ पढ़ा हो, अन्यथा नहीं। साथ ही साथ अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा और कई ऐसे अच्छे अच्छे लेखक है, या स्वामी विवेकानंद जी है या अब्दुल कलाम जी है, इनके पुस्तक बहुत अच्छे हैं, इनके कई कहानियाँ अच्छी है, तो ये आपको पढ़ने हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का कोई भाषण पढ़ो और उनके प्रमुख वाक्य आपको बताने हैं, यानी कॉपी में आपको उनके कोई 5 अच्छे वाक्य, प्रमुख वाक्य जो है वो आपको लिखने हैं। जैसे कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, है ना। ये वाक्य दिखने को बहुत छोटा है लेकिन बहुत अहमियत रखता है बेटा अपने जीवन में। क्योंकि सही बात है, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं ना, तब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। अगर चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। उठो, जागो और लक्ष्य पूरा होने तक मत रुको। ऐसे कुछ, ऐसे कई उनके अच्छे अच्छे वाक्य हैं, उनमें से 5 वाक्य आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। अब सदैव ध्यान में रखो, ये आपको संगठन में शक्ति है, इससे जीवन में उतारो। दादी माँ का परिवार पाठ पढ़ते पढ़ते मैंने आपको कई बार, साथ ही साथ मैंने आपको एक सुंदर कहानी में अंत में सिखाई थी, बताई थी कि संगठन में क्या शक्ति है, है ना। तो आपको अपने विचार आपकी कॉपी में लिखने हैं कि संगठन में कैसी शक्ति है और इसे हमें जीवन में किस तरह उतारना है। उसके बाद है घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। यहाँ 4 घटनाएं दी है जो कि सीक्वेंस में नहीं है। हमारे पाठ में जिस तरह ये घटनाएं आई है उस तरह उनको नंबर देकर आपको लिखना है। ये आप पाठ पढ़ोगे तभी आपको ध्यान में आएगा कि पहला वाक्य ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। उसके हिसाब से आपको इसको कॉपी में लिखना है। उसके बाद है 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो ये जो 4 प्रश्न हैं इनके उत्तर मैंने आपको
पीडीएफ में दिए हैं, आपको उनको देखकर कॉपी में उतारना है, कॉपी में लिखना है। और सबसे अंत में है भाषा की ओर। अब भाषा की ओर में जो वचन के शब्द आपको दिए हैं, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। यहाँ आपको जो शब्द दिए हैं उनके वचन सिर्फ आपको बदलने नहीं बल्कि उन पर एक वाक्य तैयार करना है। जैसे कि इन्होंने यहाँ दिया है थैलियाँ, थैली, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये वाक्य जिस तरह बनाया है उसी तरह बाकी शब्दों का वचन बदलकर आपको वाक्य तैयार करना है और उसको आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद है शब्दार्थ, है ना, शब्दार्थ दिए हैं तो वो आपको कॉपी में लिखने हैं और उसे याद करना है। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, विरोधी शब्द, युग्म शब्द और मुहावरे, ये भी आपको आपकी कॉपी में उतारने हैं और इन्हें याद करना है। उसके बाद है कहावतें, कहावतें दिए हैं और साथ ही साथ एक दो वाक्यों में उत्तर लिखो। जैसे कि मैंने अभी आपको अभी बताया था कि ये जो चार प्रश्न हमको स्वाध्याय में दिए हैं उनके उत्तर मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं, तो आपको ये देखकर आपके कॉपी में लिखने हैं और इन सबको कॉपी में लिखकर आपको इसको याद करना है। धन्यवाद।